बुद्ध के यहाँ पर एक राजकुमार दीक्षित हुआ। भगवान बुद्ध ने उसे साथ के गांव में एक विधवा के घर भिक्षा लेने के लिए भेजा। राजकुमार वहां से भिक्षा लेकर भागता भागता आया और भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा, प्रभु आज के बाद मैं उस घर में कभी भी भिक्षा लेने नहीं जाऊंगा। भगवान बुद्ध ने कहा, क्या हुआ बंते, ऐसी क्या बात हो गई? उसने कहा, प्रभु मैं भूखा रह लूँगा, मैं प्यासा रह लूँगा, मैं कहीं और जाकर 10-10 किलोमीटर के दूर जाकर भिक्षा ले आऊँगा, पर मैं उस साथ के गांव में उस विधवा के घर आज के बाद कभी भिक्षा नहीं लेने जाऊँगा। भगवान बुद्ध ने कहा, ऐसी क्या बात हो गई, मुझे बताओ कि आप वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहते? उसने सारी कथा बताई। उसने कहा, आपने मुझे उस विधवा के घर जाने के लिए कहा था? भगवान बुद्ध बोले, हाँ मैंने कहा था। उसने कहा, जब मैं रास्ते पर जा रहा था तब मैं सोच रहा था, आज मैं एक भिक्षुक हूँ, कल मैं एक राजकुमार था, अगर मैं आज भिक्षुक ना होता तो मुझे आज खाने में कितने सुंदर सुंदर पकवान 56 भोग मिलते। वह जैसे ही उस विधवा के घर पहुँचा तो वह क्या देखता है, वही पकवान, वही मिष्ठान, वही पेय पदार्थ उसके सामने परोसे गए जिसकी वह इच्छा रास्ते में कर रहा था। उसने सोचा, मात्र एक संयोग होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हम सोचते हैं वही उसके दिमाग में भी चल रहा होता है। तो वह उसने उस बात को भूल गया और खाना खाने लगा। खाना खाने करते वक्त वह फिर कुछ सोचने लगा कि मैं जब राजमहल में हुआ करता था तब खाना खाने के बाद कितना विश्राम करता था और कितना आनंद आता था। कुछ समय बाद वह विधवा फिर बोली, प्रभु अगर आप खाना खाने के बाद कुछ क्षण यहाँ पर विश्राम करेंगे तो बहुत बड़ी बेनती होगी, मेरा घर खुशियों से भर जाएगा। वह फिर घबराया कि यार इसको कैसे पता चल जाता है कि जो मैं सोचता हूँ वही इसके दिमाग में आ जाता है। तब वह विश्राम कर रहा था तो फिर उसके दिमाग में आया कि यार आज मैं ज़मीन पर लेटा हुआ हूँ, अगर मैं राजकुमार होता तो एक मखमली गद्दे के ऊपर मैं लेटा होता। उस स्त्री ने फिर कहा, बंते एक विनती है, आप ज़मीन पर ना लेटी, यहाँ पर बिस्तर पर आ जाइए, यहाँ पर सो जाइए, आपको कष्ट हो रहा होगा। तब तो वह घबरा कर वहाँ से भागा और सीधा भगवान बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान बुद्ध ने बोले, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, अगर उसने आपके विचार पढ़ लिए तो? वो बोला, प्रभु बस मुझसे मत पूछिए। भगवान बुद्ध ने कहा, बताइए, कोई घबराने की बात नहीं है, ये आपकी साधना का एक हिस्सा है। उसने कहा, प्रभु जब मेरे विचार पढ़े जा रहे थे वह स्त्री बहुत सुंदर थी, मेरे मन में उस स्त्री के प्रति कामुकता भरे विचार भी आ रहे थे, वह भी उस पढ़े जा चुके होंगे, तो अब मैं किस मुंह के साथ उस स्त्री के घर आऊँगा फिर भिक्षा लेने के लिए? भगवान बुद्ध ने कहा, तुम गए थे सोए सोए, तुम्हारा ध्यान बाहर था, क्या तुमने अपने विचारों के ऊपर ध्यान दिया, अपनी आंखें अंदर गड़ाई? उसने कहा, नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा, कल तुम फिर जाना और इस बार पूरे सचेत होकर। अब युवक अगले दिन फिर सफर पर निकल गया उस विधवा के लिए के घर भिक्षा लेने के लिए। इस बार वह व्यक्ति बिल्कुल दूसरा व्यक्ति था, उसके विचार बिल्कुल सद गए थे, उसने अपनी आंखें बिल्कुल अंदर गड़ा ली थी, वह अपने विचारों को पूरा देखने लगा कि कहीं कोई गलत विचार ना आ जाए। वह अपने अंदर पूरी तरह इंस्पेक्शन करने लग गया कि जो विचार मेरे मन के अंदर आ रहे हैं वह मैं पूरे ध्यान से देखूंगा, अगर जैसे ही कोई गलत विचार आएगा तो मैं उसे पकड़ पाऊंगा। वह उस विधवा के घर गया, बैठा, भिक्षा ली, वहाँ से खाया खाना, विश्राम किया और
उसको नमस्कार करते हुए भागता चलता हुआ आया, एकदम खुश और भगवान बुद्ध के पास आया। प्रभु, जो चीज इतने वर्षों में न हो पाई वह उस स्त्री ने मुझे एक दिन में सिखा दी। मेरे विचार शुद्ध हो गए, मैंने अपना ध्यान अपने अंदर केंद्रित किया, अपने विचारों के पास केंद्रित किया और मैं अपने ध्यानों के प्रति बिल्कुल सचेत था, अपने विचारों के प्रति बिल्कुल सचेत था कि मेरे अंदर कौन सा विचार आ रहा है। जैसे कि मैं खुद भीतर चला गया हूँ, जैसे कि मैं खुद परमात्मा हो गया हूँ। दोस्तों, इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है, आप ओवरथिंकिंग से परेशान रहते हैं, हर वक्त आपका ध्यान बाहर रहता है। परमात्मा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिन जो अपना अंदर का सिंहासन खाली रखते हैं, अपने विचारों के प्रति जो सजग रहते हैं। अगर आप अपने विचारों के प्रति सजग रहेंगे, बिल्कुल इंस्पेक्शन करते रहेंगे, अपने अंदर आँख गड़ा के रखेंगे, तो एक पल ऐसा आएगा कि आपके भीतर भी परमात्मा उतरेगा, तब आप उसे भी देख पाएंगे। आपके भीतर पहले भी कई बार परमात्मा आ चुका है, पर आपने उसे, आपका ध्यान अंदर ना होकर बाहर संसार की तरफ था। इसीलिए अपना ध्यान अंदर केंद्रित कीजिए और उस परमात्मा की खोज कीजिए। इस प्रक्रिया से आप ना सिर्फ अपने विचारों को बल्कि सामने वाले के विचारों को भी पढ़ लेंगे, बंदा किस नियत से आपके पास आया है और वो क्या चाहता है। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ऐसे ही आध्यात्मिक सफ़र के ऊपर जाना चाहते हैं। धन्यवाद।